फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीरू के प्रेडिक्शन। तो आज कैसे आप सब, मैं देखिए बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के 39 T20 मैच के बारे में। दोस्तों, मैच होने वाला है कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटन्स के बीच में। दोस्तों, अगर मैच की पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले, ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको टॉस मैच सेशन की पूरी जानकारी दी जाएगी। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर मेंशन किया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की ओर। ये मैच होने वाला है 29 अप्रैल को इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग दोपहर के 3:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी ईडन गार्डन कोलकाता इंडिया में। अब बात करते हैं फ्रेंड दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं। रिसेंटली 5 मैच में दोनों टीमों का परफॉर्मेंस क्या देखने को मिला। तो पहली टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो जहां 5 मैच में से 4 मैच हार के आ रही है, तो वही 1 मैच जीत के आ रही है। वहीं दूसरी टीम अगर गुजरात टाइटन्स की बात करें तो जहां 5 मैच में से 3 मैच जीत के आ रही है, 2 मैच हार के आ रही है। अगर टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर गुजरात टाइटन्स 2 मैच से आगे चल रही है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 3 मैचेज में, तो जहाँ पर अभी तक कोलकाता नाइट राइडर्स 1 मैच जीत के आ रहे, तो वहीं गुजरात टाइटन्स भी 1 मैच जीत के आ रही है। तो हेड टू हेड में अकॉर्डिंग लगभग इक्वली दोनों को देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं। लास्ट 3 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहले कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स का 40% देखने को मिल रहा है, तो वहीं गुजरात टाइटन्स का 70% देखने को मिल रहा है। एवरेज स्कोर की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स का 184 है, तो वहीं गुजरात टाइटन्स का 171 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स का 208 है, तो वहीं गुजरात टाइटन्स का 207 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स का 127 है, तो वहीं गुजरात टाइटन्स का 133 है। तो ये रहे दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर कंपेरिजन के मामले में गुजरात टाइटन्स थोड़ी सी आगे चल रही है। परतन चलते हैं वेदर की ओर। आज का मैच वेदर कैसी रहेगी, तो मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगी, बट थोड़ी थोड़ी मौसम में बादल भी देखने को मिल सकती है। अगर वहीं सेल्सियस की बात की जाए तो 32.2 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगी। अगर ह्यूमिडिटी देखें तो 62% है, वहीं 40% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है, तो इस पिच का फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर की बात करें तो इस पिच पे फर्स्ट इनिंग में 160-162 रन में भी जा सकते हैं। अगर सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में भी लगभग उतना ही रन जा सकती है। अगर इस पिच पे देखें तो अभी तक टोटल 84 मैच खेले गए, जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। अगर इस पिच के सरफेस की बात करें तो जो भी टीम अगर टॉस जीत कर बॉलिंग करते है तो उस टीम की मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन सकती है, क्योंकि डिफेंड में काफ़ी कम लो स्कोर लग सकते हैं। अगर चेस करने वाली टीम की बात करें तो यहाँ इस पिच पर इजली वे में मैच चेस कर सकती है। तो आप आगे बात करते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस देखते हैं। तो पहली टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें, नो डाउट काफ़ी अच्छी टीम है। स्टार्टअप की बात करें तो स्टार्टअप में काफ़ी अच्छा फॉर्म देखने को मिला। वहीं अगर पिछले 1-2 मैच की बात करें तो थोड़ी सी यहाँ पे परफॉर्मेंस लो पड़ गई है। वहीं अगर दूसरी टीम गुजरात टाइटन्स की बात करें, नो डाउट स्टार्टअप से भी काफ़ी धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं अगर पिछली मैच की बात करें तो पिछला मैच भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके आ रही है। तो दोनों के बैटिंग और बॉलिंग का कम्बिनेशन भी ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह कोलकाता का होम ग्राउंड है, तो यहाँ पर कोलकाता पूरी कोशिश करेगी यह मैच जीतने के लिए। तो दोनों के बीच में मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, तो आप लोग जोर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। अब चलते हैं फ्रेंड दोनों टीमों के की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के की प्लेयर की बात करें तो नीतीश राणा, रिंकू सिंह, डेविड वॉइस, सुनील नारायण। वहीं दूसरी टीम गुजरात टाइटन्स के की प्लेयर की बात करें तो हार्दिक पांड्या, शुभम गिल, साई सुदर्शन, मोहम्मद शमी। तो ये रहे दो टीमों की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो फाइनली हमने अभी हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली। अब चलते हैं लास्टली विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए गुजरात टाइटन्स हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोग क्या लगता है अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों, लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।